हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा पारधे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। पुनः इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का यह वीडियो पुनः आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इंग्लिश पर बेहतरीन कमांड होता है या जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग भी इसमें मिस्टेक करते हैं। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित है, और यह आज इसमें हम कंटीन्यूअस टेंस नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम कंटीन्यूअस टेंस पार्ट टू की बात करेंगे, जिसमें मैं आप सभी से उन वर्ब्स की शेयरिंग करूँगा, उन वर्ब्स के बारे में जानेंगे जिनका यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। दोस्तों, अभी तक आपने जो हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, अकॉर्डिंग टू दैट हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी लेते हैं, परंतु वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज पूरे कंटीन्यूअस टेंस में होता है। परंतु मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती है जिनका यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। देखिए, आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि इन वर्ब्स जिनकी मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इनका यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनका वीआईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा, इन वर्ब्स का यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। सपोज मैं आपसे एक वर्ब डिस्कस करूंगा, फील, फील हैज द मीनिंग महसूस करना, सो इज फीलिंग, एम फीलिंग, आर फीलिंग, वॉज फीलिंग, वर फीलिंग, इसका यूज ना होकर फीलिंग का यूज होता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है तो इस पूरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो फटाफट आप अपना नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए, क्योंकि इसमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को बहुत थरोली डिस्कस करने वाले हैं और आपको यह टॉपिक दोनों तरह से हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर्स को हैंडल करने में, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट इंग्लिश बोलने में एक टॉपिक आपकी बहुत मदद करेगा। सो आज का टॉपिक है कि वर्ब्स डोंट यूज इन कंटीन्यूअस टेंस, इट मींस ऐसी क्रियाएं जिनका यूज कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। एक बार पुनः मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँ कि हम वीआईएनजी फॉर्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वर्ब टू बी प्लस वीआईएनजी की। इट मींस ये जो वर्ब हम शेयर करने वाले हैं इनका यूज वर्ब टू बी प्लस वीआईएनजी के रूप में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब इट मींस कांस्टेंट वर्ब है, इसमें किसी तरह का मोशन नहीं दिखता, या तो ये मेंटल थिंकिंग होगी या तो ये ऐसी दशा होगी जो होती है रेगुलर बेसिस पर, या तो हो गई है, इट मींस कि ये प्रेजेंट के रूप में आपको मिलेगी, सिंपल प्रेजेंट में फाइंड आउट कर पाओगे इसको आप, या तो सिंपल पास्ट में फाइंड आउट कर पाओगे, बट रनिंग कंडीशन इट मींस स्टैटिक पोजिशन को अंडरस्टैंड करना इसके लिए बड़ा कठिन होगा। तो आइए हम बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डिस्कस विद यू, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की। परसेप्शन इट मींस व्हाट, कि परसेप्शन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, उन वर्ब्स को इसमें रखा गया है। अंडर दिस द वर्ब सी, स्मेल, हियर, फील, टेस्ट। सी देखना, स्मेल सूंघना या गंध लेना, हियर सुनना, फील महसूस करना, और टेस्ट स्वाद लेना। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको बोलना है कि आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, दैट इज इनकरेक्ट, आई सी यू, ओके, बिकॉज सी इज अ प्रोसेस। जैसे सपोज मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें अपने आप दिखती है, इट मींस कि मैं देखने का काम नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे दिख गई। इट मींस कि व्हेन आई कम फ्रॉम माय होम आई सी अ बैंक ऑन द वे, मैं रास्ते में एक बैंक देखता हूँ, मतलब वो मुझे दिख नहीं रहा है, दैट इज ऑटोमेटिकली स्टैटिक एक्शन। स्मेल, जैसे मुझे बोलना है कि द रोज स्मेल स्वीट, कि गुलाब की जो है बड़ी मधुर सी, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, दैट इज रॉन्ग, इट मींस स्मेल का भी यूज नहीं होगा। हियर,
जैसे आपको बोलना है कि आई हर्ड हर वॉइस इन द नाइट, आई हर्ड हर वॉइस इन द नाइट, मुझे उसकी चीख रात को सुनाई दी, बट आप ऐसा नहीं बोलोगे आई वॉज हियरिंग हर वॉइस, क्योंकि हियरिंग का यूज नहीं, डियर लिसनिंग का यूज है। जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर कोई काम करते तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, लिसन का। और देखिए मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँ कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, क्योंकि आप कई बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे, परंतु इस कॉन्सेप्ट को आप कितना रिटेन कर पाएंगे आपके माइंड में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन जनरल स्पोकन में हम खूब मिस्टेक करते हैं इसमें। ओके, इनसे यदि मैं बोलूँ फील, ओके, जैसे कि उसे अच्छा लग रहा है। अब देखिए अच्छा लगना एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि कंटिन्यूस में चल रही हो, और कंटिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होते रहते हैं। तो जैसे उसे अच्छा लग रहा है, सो मतलब उसे अच्छा लगता है, उसे यहाँ अच्छा लगता है, तो यू कैन से दैट कि ही फील्स गुड इन बैथरूम, बट ऐसा नहीं बोलोगे कि ही इज फीलिंग गुड इन बैथरूम। इन सेम वे टेस्ट, जैसे आपको बोलना है कि द ऑरेंज टेस्ट, जैसे आप बताना चाह रहे हो कि ऑरेंज का जो टेस्ट है वह खट्टा है, ओके, सो आप ऐसा नहीं कि ऑरेंज खट्टा लग रहा है, ऑरेंज इज टेस्टिंग शो, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि द ऑरेंज टेस्ट शो, अंडरस्टूड। इन सेम वे हम बात करते हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग की, ऐसी वर्ब्स जो कि प्रदर्शन करती है, जो कि दिखाने के लिए यूज करती है। अंडर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब्स अपीयर, लुक, सीम, रिजेंबल। हियर द मीनिंग ऑफ अपीयर इज मींस प्रकट होना। जैसे यू कैन से दैट कि इंद्रधनुष, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कि रेनबो अपीयर्स इन द रेनी सीजन, द रेनबो अपीयर्स इन द रेनी सीजन, आप ऐसा नहीं बोलो कि द रेनबो इज अपीयरिंग इन रेनी सीजन, इट विल बी रॉन्ग। इन सेम वे लुक, ओके, आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि आई एम लुकिंग योर मिस्टेक, आई लुक योर मिस्टेक, मैं आपकी गलती देखता हूँ, मैं आपकी गलती देख रहा हूँ, ओके। इन सेम वे सी, जैसे कि ओके ऐसा लगता है कि वह पागल है, ओके, सो ही सीम्स क्रेजी, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ही इज सीमिंग क्रेजी, दैट विल बी रॉन्ग अगेन, ठीक है। रिजेंबल, सपोज आपको बोलना है कि वह उसकी मम्मी की तरह दिखती है, तो आप वह अपनी मम्मी की तरह दिखती है, देखिए दिखती है मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट एक्शन, जो हमेशा दिखती है, ऐसा तो नहीं कि आज दिख रही है और कल नहीं दिखेगी, दैट इज रॉन्ग वन। सो शी रिजेंबल्स हर मदर, दैट इज करेक्ट वन, शी इज रिजेंबलिंग हर मदर, दैट इज रॉन्ग वन, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशंस की। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वर्ब्स जो कि किसी भाव को प्रकट करते हैं, भावनाओं को प्रकट करने वाली वर्ब्स इसमें है, और इसमें हम बात करेंगे want, want as the meaning चाहना, wish as the meaning इच्छा करना, desire as the meaning again दिल से इच्छा करना, feel महसूस करना, like पसंद करना, love प्यार करना, hate that is घृणा करना, hope that is उम्मीद करना, refuse नकारना, पसंद करना prefer, regret as the meaning क्षमा करना। कुछ examples मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम एक regret को लेते हैं और रिफ्यूज को लेते हैं और एक हम रिग्रेट, दो वर्ब्स की मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा कि उसने मेरा प्रपोजल, वह मेरा प्रपोजल नकार रहा है, ओके, सो यू विल बी रॉन्ग व्हेन यू विल से दैट कि ही इज रिफ्यूजिंग माय प्रपोजल, क्योंकि देखिए या तो एक्सेप्ट रिफ्यूज कर दिया है या रिफ्यूज करेगा, ओके, सो इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट कि ही विल रिफ्यूज माय प्रपोजल, सो ये फ्यूचर में आ जाएगा, ओके, ही रिफ्यूजेस माय प्रपोजल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वह मेरा प्रपोजल रिफ्यूज करता है, बट रिफ्यूज इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसलिए इस चैप्टर में हम जिन भी वर्ब की बात कर रहे हैं ये बेसिकली कंटिन्यूस होती नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है जो कि स्थिरता को बताती है, और स्थिरता का जब यूज होगा तो हम कंटिन्यूस का यूज कर ही नहीं सकते। आइए, जैसे आपको बोलना है कि एक डिजायर वर्ब लेते हैं, डिजायर इज द मीनिंग चाहना, जैसे कि वह चाह रहा है कि वह एक डॉक्टर बने, सो ही इज डिजायरिंग टू बी अ डॉक्टर, दैट इज रॉन्ग, ही डिजायर्स टू बी अ डॉक्टर, ही डिजायर्स टू बी अ डॉक्टर। इन सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें रिग्रेट का मैसेज आता है, जब रिजर्वेशन कंप्लीट फुल हो जाता है तो रेलवे मना कर देता है कि हम आपको क्षमा चाहते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन नहीं देगा, सो नहीं दे पाएंगे, इट मीन्स कि
The railway will say ki we are regretting. We are regretting. In place of that, they will simply say that we regret. Okay. So hope so आपको clear हो गया होगा कि ये जो okay जैसे मुझे बोलना है love. Love has the meaning प्यार करना है. Okay. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि I am loving my family. I love my family. क्योंकि प्यार तो हमेशा जिंदा रहता है ना. एक पल के लिए तो नहीं होता. In same way, जब हम verbs of thinking की बात करते हैं, think has the meaning सोचना, suppose has the meaning मानना, believe विश्वास करना, trust विश्वास करना, agree सहमत होना, consider has the meaning मान लेना, remember that has the meaning याद रखना, forget भूल जाना, understand समझना और know has the meaning जानना. और इसमें और verb आ जाएगी, imagine that is कल्पना करना, mean that is मतलब निकालना, mind has the meaning ध्यान देना. जैसे कि आपको एक एग्जांपल हम माइंड वाला लेते हैं. सपोज मुझे बोलना है कि वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है. सो ही डजंट माइंड माय वर्ड. आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि ही इज नॉट माइंडिंग माय वर्ड्स. दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. इन सेम वे जैसे सपोज आई एम टीचिंग यू, आई वांट टू नो कि डू यू अंडरस्टैंड. मैं कभी ऐसा नहीं पूछूंगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग मी. दैट विल बी रॉन्ग. आई विल से दैट कि डू यू अंडरस्टैंड. You will say that yes, we understand. Yes, I understand. Okay, so understanding will be wrong. In same way, जैसे हम बोलते हैं suppose, जैसे कि हम दो को एक्स मान रहे हैं, या suppose हम बोले कि पापा की उम्र को हम एक्स मान रहे हैं. So आप ऐसा नहीं बोलोगे कि we are supposing father's age is X. No, we suppose father's age is X. So by that way the things will be there. Okay, imagine. किसी चीज की कल्पना करना. तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि I am imagining my future. I imagine my future. मैं अपने future को imagine करता हूँ. मैं अपने future को imagine नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि this is a static action जो कि थोड़े समय के लिए होगी और move कर जाएगी. आगे हम बात करते हैं here the verbs of possession. Possession under this category have as the meaning होना. Own has the meaning मालिक होना, belong to has the meaning संबंध रखना, contain has the meaning किसी चीज में समाहित होना, okay, consist of, it means से बना हुआ. एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे सपोज आपको कहना है कि he have bath, okay, in same way, सपोज आपको बोलना है कि उसके पास या वह 3 acres जमीन का मालिक है. वह 3 acres जमीन का मालिक है. तो मालिक तो हमेशा रहेगा ना. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि he is owning 3 acres of land. He will say only that कि he owns 3 acres of land. In same way belong. जैसे कि this book belongs to Ram. अगर यह किताब राम की है तो आप कैसे बोलोगे कि this book belongs to Ram. ऐसा नहीं बोलोगे this book is belonging to Ram. Belong it means एक बार कनेक्शन बन गया. जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ. So I belong to a village. I am belonging to a village. That is completely wrong. In same way contain. जब हम contain की बात करें, contain is the meaning समाहित होना. जैसे कि इस बॉटल में 1 liter पानी आता है तो ये फिक्स है ना, हमेशा 1 liter ही आएगा. So this bottle contains 1 liter of water. This bottle is containing 1 liter water is always wrong. Okay, consist of. जैसे आपको बोलना है कि यह ग्रुप 10 लोगों से मिलकर बना है. So this group consists of 10 people. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि this group is consisting of 10 people. Okay? So by that way, in same way dear, verb of being. Under this, we talk about the verbs like be has the meaning होना, weigh has the meaning वजन करना, cost has the meaning कीमत होना. एक example लेना है कि इस pen की कीमत 20 रुपए है. So this pen cost rupees 20. This pen cost rupees 20. It means कि simple present में use होगा. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दिस पेन इज कॉस्टिंग रुपीज 20. क्योंकि प्राइस तो एक बार निर्धारित कर दिए तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आएगा क्या? नो. ओके. सो द नेक्स्ट वर्ब वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इट मींस कि जो कि रिजल्ट ऑफ समथिंग होता है उन वर्ब्स की बात करेंगे. अंडर दिस वी विल टॉक अबाउट एडमिट स्वीकार करना, एक्नॉलेज दैट इज अनुमोदन करना, अपोलोजाइज माफी मांगना, गारंटी लेना, अज्यूम मानना, प्रिडिक्ट अनुमान लगाना, रिकमेंड ओके, एक्सेप्ट दैट इज स्वीकार करना, एडवाइस सलाह देना, डिनाई मना करना, होप उम्मीद करना, इन्फॉर्म सूचना देना, प्रॉमिस वादा करना एंड सजेस्ट. दीज आर द वर्ब्स दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब्स ऑफ परफॉर्मेंस. और इनका भी यूज
कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इनका यूज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और कभी कभी सिंपल पास्ट में भी इनका यूज हो जाता है जैसी कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे कि मैं बोलूं कि ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, दैट विल बी रॉन्ग। ही एडमिट्स हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती मान लेता है। ओके, मान रहा है, दैट इज रॉन्ग। इन सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, आई अपोलोजाइज यू, आई एम अपोलोजाइजिंग यू। बिकॉज माफी मांगना इट मीन्स इट्स अ वन सेकेंड टास्क दैट कैन नॉट बी कंटिन्यू, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूस। ओके, सो बाई दिस वे जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डिनाई। डिनाई इज मीनिंग मना करना। सपोज ही डिनाइज टू कम विथ अस, ही डिनाइज टू कम विथ अस, वह हमारे साथ आने के लिए मना कर रहा है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे ही इज डिनाइंग टू कम विथ अस, ही डिनाइज टू कम विथ अस, दैट इज ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू डियर कि इस पूरे वीडियो में हमने ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जिन वर्ब्स को हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, जिन वर्ब्स की मैं का मैंने आपसे डिस्कशन किया, वो सारी वर्ब्स जो है उनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में, इट मींस इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी प्लस वी आई एन जी के रूप में नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेटिक वर्ब है। स्टेटिक वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्मेट में होती है या तो पास्ट फॉर्मेट में होती है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जब जेरेंड फॉर्म होता है तब हम वी आई एन जी से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन दैट कंडीशन वी आई एन जी के रूप में इनका यूज होगा, पर कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होगा। परंतु कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ओके, जैसे कि वह आम का स्वाद ले रहा है, तो मतलब कि उस समय उसके हाथ में आम है और वो आम का स्वाद ले रहा है। सो यू कैन से दैट कि ही इज टेस्टिंग मैंगो, ही इज टेस्टिंग मैंगो। सो वहां पर टेस्ट का यूज परीक्षण करने के रूप में हो जाएगा और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जिस पर आप बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली हम अपने स्पोकन में किस तरह से इनका यूज करते हैं और वो स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज आई एम टॉकिंग कि आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है, मैं जानता हूँ आपका मतलब क्या है, सो दैट इज करेक्ट। But if you will talk that I am knowing what you mean, I am knowing what you mean, so here the no was correct and knowing was incorrect. In same way we can see one more example कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, I fear heights. You cannot say that I am fearing height कि मैं एक बार ऊंचाई पर खड़ा हूँ तो वहाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे तो हमेशा ही डर लगता है ऊंचाई से। The next sentence is there कि John sit down, John sit down, it means sit down. It means मैं जॉन से बोल रहा हूँ कि बैठ जाओ, इसका मतलब है कि बैठ जाओ। मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि जॉन सिट डाउन, इट्स मीनिंग सिट डाउन, इट्स मीनिंग विल बी द रॉन्ग वन। ओके, इन सेम वे ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो उसके पापा की तरह दिख रहा है, तो आज ही नहीं दिख रहा है, वो हमेशा दिखता है भाई। सो ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, दैट विल बी रॉन्ग एंड दिस वन विल बी करेक्ट। द नेक्स्ट इज द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम का स्वाद जो है वो हमेशा मीठा होता है, ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ जो आम है इसका टेस्ट मीठा है। ओके, सो इन दैट कंडीशन द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट विल बी रॉन्ग वन एंड द मैंगो टेस्ट स्वीट, दैट इज करेक्ट। परंतु जो मैंने अभी इतनी सारी बातें डिस्कस की, कभी कभी कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका यूज दोनों कंडीशन में किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे जिनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस दोनों में करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि उसकी तीन बेटियां हैं, She has three daughters. She has three daughters. She is having three daughters. That is correct. In that is both. क्योंकि having it means possession, that can be continuing also because this relation cannot be separated. Na? Relation को हम separate नहीं कर सकते. In same way you can see the next example कि this jacket feels so warm. Okay, ऐसा लग रहा है कि ये जो jacket है ये बहुत गर्म है. बट इस स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे भी बोलोगे कि दिस जैकेट इज फीलिंग सो हॉम, इट मींस कि अगर मैंने जैकेट पहना हुआ है उस समय यदि मुझे उस जैकेट से गर्मी हो रही है तो यू कैन से दैट कि दिस जैकेट इज फीलिंग सो हॉम। होप सो माय डियर बडीज, मैं आप सभी को ये वीडियो थरोली क्लियर कराने में सक्षम रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। होप सो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको बिल्कुल शेयर करिए, आप उन जरूरतमंद लोगों को पहुँचाइए, आपके कांटेक्ट में जो भी हो जिनकी यह वीडियो मदद कर सकता है तो
आप इसको बिल्कुल सर्कुलेट कीजिए। आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो सो आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हम आपकी सेवा में और वीडियोस के साथ आ सके। और अगले वीडियो में हम किसी डिफरेंट तरह की किसी ऐसी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात करेंगे। और जैसा कि हमने इस वीडियो चैनल को स्टार्ट करने के पीछे एक मोटो रखा था कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंग्लिश बोलना सीखो, तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश नॉलेज को और एक बेहतरीन फ्लाई दे सको। तब तक के लिए गुड बाय।